माय चैनल, मैं हूँ सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो ये जो मैं आज का वीडियो बना रही हूँ, ये इसकी जो रिक्वेस्ट है काफ़ी दिनों से आ रही थी, लेकिन किसी भी चीज़ को करने से पहले मैं उसको ज़रूर ट्राई करती हूँ अपने पे। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी ग्लूटाथियोन के बारे में कि मैम प्लीज़ इसके बारे में मेरे हमारे साथ रिव्यू शेयर करिए, बिकॉज बहुत सी गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी शादी होने वाली है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि गोरे हो जाएं, बहुत से ऐसे बॉयज़ भी हैं जो चाहते हैं कि उनका वन टोन जो स्किन टोन है वो लाइट हो जाए, स्किन फुल बॉडी वाइट हो जाए, या जिनको भी प्रॉब्लम है स्किन की वो चाहे किसी भी तरह की हो, रिंकल्स की हो, पिंपल्स की हो या अनइवन स्किन टोन हो। तो बहुत से लोग और बहुत से दिनों से, आई थिंक मैं बता नहीं सकती, एक साल से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ग्लूटाथियोन के बारे में मैम प्लीज़ आप जो है हमारे साथ रिव्यू शेयर करिए या फिर बताइए कि हम इसे खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था आज के एक से डेढ़ महीने पहले कि मुझे इस पर आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करना है। तो रिव्यू शेयर करना था तो उसके लिए मुझे प्रोडक्ट मंगवाना था ग्लूटाथियोन। तो मैंने बेस्ट कंपनी में से, मतलब बहुत ज़्यादा सर्च किया और बेस्ट कंपनी का ग्लूटाथियोन मंगवाया, उसका रिव्यू मैं अभी शेयर करूँगी आपके साथ। और वो मैंने ट्राई किया, मुझे एक महीना हो गया है और आप लोगों ने भी इधर बहुत बोला कि सुगम आपका जो स्किन है वो काफ़ी ग्रो करती है। इवन आप मुझे यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है, जस्ट लिप कलर, लिप बाम लगाया, लिप कलर भी नहीं लगाया, लिप बाम लगाया, नो आईज मेकअप, नो फाउंडेशन, मतलब कुछ भी मैंने नहीं लगाया है। लेकिन हाँ, ये जो टैबलेट है मैं ये ले रही हूँ ग्लूटाथियोन की, और अमेजिंग रिजल्ट है इसका कि मैं बता नहीं सकती। तो जिन लोगों की भी शादी होने वाली है, चाहे वो बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, या फिर जो लोग अपनी स्किन की, ऐसा नहीं है कि इसे नई एज 18, ये ध्यान रखिएगा कि 18 प्लस है, 18 साल से कम के लोग इसे नहीं लेंगे। 18 प्लस के बाद, या फिर जैसे लोग 30 के बाद, 35 के बाद, 40 के बाद भी लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो चाहते हैं कि वो जब थे 15 या 20 साल के तो इनके हमारी स्किन बहुत शाइन करती थी, अब हमारी स्किन शाइन नहीं करती है, तो आप इसको ले सकते हैं। मैं 6 महीने इसका फुल कोर्स कर लूँ तो, क्योंकि आपने देखा होगा जो सेलिब्रिटी की स्किन होती है वो एकदम चमकती है, एकदम शाइन करती है, जस्ट लाइक कि मैं बता नहीं सकती, जैसा लगता है कि हीरा रख दिया गया उनके स्किन पे, क्या होता है। तो वो सारा कमाल है ग्लूटाथियोन का कि वो लोग इसकी टैबलेट्स प्रिपेयर करते हैं और खाते हैं, जैसे उनके स्किन एकदम से, जैसे आप बहुत से लोग ने भी देखा होगा कि मोनी रॉय की आप पहले की पिक्चर्स देखिए, वो हल्की हल्की सी उसमें डस्टी कलर की हैं, देन आज की पिक्चर्स देखिए, उसके बाद देखिए कि वो कितनी ज़्यादा वाइट हो गई हैं। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे मेरी किसी भी चीज़ का आप गलत मतलब मत निकालिएगा कि नहीं काले गोरे, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सबके डिज़ायर होती है कि हमें, मैं चीज़ क्लियर भी करना चाहूँगी कि यहाँ पे जैसे आप हल्के से सांवले हो तो ये टैबलेट आपको 2 से 3 टोन निखार देगी, अगर आप थोड़े से गोरे हो तो ये आपको 2 से 3 टोन करके खूब गोरा बना देगी। तो इस तरह से ये वर्क करती है। तो अब मैंने बहुत सारी आपको बताई, अब मैं बताती हूँ कि ग्लूटाथियोन होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। इसे लेने के भी कुछ नियम कायदे कानून हैं जो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। तो ग्लूटाथियोन जो है हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग से सप्लीमेंट इसके लिए लेना पड़ता है, ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में होता है। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इतना पल्यूशन है, इतना स्ट्रेस है हमारी लाइफ में, हमारी बीमारियां हैं, वो ग्लूटाथियोन जो है काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। और ग्लूटाथियोन का मेन वर्क क्या होता है, वो हमारी बॉडी में एक तो वाइट मेलानिन एंड एक ब्लैक मेलानिन का प्रोडक्शन करता है। तो कहीं ना कहीं वो जब डिसबैलेंस होता है हमारी लाइफ स्टाइल से, कहीं किसी भी उससे, तो वो वर्क धीरे धीरे करना बंद कर देता है, जिससे डलनेस, ब्लैकनेस और स्किन पे बहुत ही ज़्यादा सा ग्लो चला जाता है। तो ये जो मैं ग्लूटाथियोन ले रही हूँ ये क्या करता है, क्योंकि हम ऑलरेडी बाहर से ले रहे हैं तो वो इसके मेलानिन, वाइट जो वाइट मेलानिन है उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देता है। बहुत ही सीधा सा फंडा है कि
हम जब किसी सप्लीमेंट को बाहर से लेंगे और वो स्पेशली उसी पे जाके वर्क करेगा, तो कहीं ना कहीं तो स्किन पे, हेयर्स पे, बहुत सारी चीजों पे आपके ग्लो आएगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक आपकी स्किन ही वाइट होगी, हेयर्स भी बहुत अच्छे होंगे, नेल्स भी बहुत अच्छे होंगे, मतलब हर तरह से ये काफी चीजें अच्छी होने वाली हैं आपकी। तो ये स्पेशली इस तरह से वर्क करता है कि ये जब आप इसकी टैबलेट्स लोगे तो ये उसके वाइट मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आप डे बाय डे गोरे होते चले जाओगे, डे बाय डे आपका स्किन का कलर बहुत अच्छा होता जाएगा, डे बाय डे आपके हेयर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, टोटली ऑल ओवर आपका मेकओवर होने वाला है। तो कैसे लेना है, कब लेना है और किस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो चीज भी मैं बताना आपको बिल्कुल जरूरी समझूंगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ग्लूटोन 1000 की, मैं भी एक रिव्यू आपको दूंगी, एंड स्कॉट जेड की। ये दोनों कॉम्बो है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अकेला इसको खा लेना है या अकेला इसको खा लेना है, कॉम्बो में इसे खाना है। और कॉम्बो पैन का जो लिंक है ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ नीचे शेयर कर चुकी हूँ, तो जाके लिंकआउट लिंक पे जरूर चेकआउट करिएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी में आप ये ले लीजिए, जब भी लीजिएगा दोनों का एक साथ लीजिएगा, तभी ये आपका बिल्कुल ऑसम जो है आपके फेस पे वर्क करेगा। तो इसे कैसे लेना है वो भी मैं बताऊंगी। और ये जो है यानी कि 15 दिन का आता है, ये 15 दिन के लिए होता है। तो ये मेरी थर्ड पैकेजिंग है और मैंने फोर मंगवाए थे, तो 2 महीने का मैंने मंगवाया था, इसके बाद मैं और भी ऑर्डर करने वाली हूँ। तो चलिए एक छोटा सा वो दिखाती हूँ और कैसे यूज़ करना है, कब खाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो फुल वीडियो देखेगा, देन उसके बाद ही आप परचेज करिएगा। तो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो चलिए। तो फ्रेंड्स, इस ड्रिंक को कोई स्पेशल नहीं बनाना है, जस्ट फर्स्ट आपको ग्लूटोन 1000 डालनी है, देन उसके बाद आपको विटामिन सी टैबलेट डालनी है। दोनों बहुत ही तेजी से डिजॉल्व करेंगे, मात्र ही कुछ सेकंड में आपका ये ड्रिंक बनके रेडी हो जाएगा और बहुत ही यम्मी सा टेस्ट है, जस्ट लाइक लेमन टेस्ट, जूस का टेस्ट। तो फ्री होके इसे मॉर्निंग में आप पीजिए और देखिए कि आपका स्किन का टेक्सचर कितना अच्छा होगा। कि मॉर्निंग में कुछ खा नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते या हमें वॉमिट हो जाता है, तो ये बिल्कुल जूसी फ्लेवर में है, लेमन फ्लेवर, मतलब दोनों जस्ट लाइक आपको ऐसा लगेगा कि आप जूस पी रहे हो, तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जिनको नहीं लेना है वो प्रेग्नेंट लेडी को एक नहीं लेना है, और जो भी माताएं अपने बच्चे को फीडिंग कराती हैं यानी कि अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, इन दोनों लोगों को नहीं लेना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो फटाफट से लाइक करिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ इसी तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।